Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum. Welcome to our channel Mirch Masala. हमारी ये कोशिश होगी कि हम हर तरह की रेसिपी अपने स्टाइल में आपके साथ शेयर करें, चाहे वो बहुत ही डिफिकल्ट हो या बहुत ही इजी हो, हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझाएं। आप देख के पहचान गए होंगे कि हम क्या बनवाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोनलेस चिकन भी रखा हुआ है और हांडी भी रखी हुई है। तो आज हम बनाने वाले हैं बोनलेस हांडी, जरा डिफरेंट स्टाइल में, और इंग्रेडिएंट्स इतने कम होंगे इसमें कि आपकी सोच है और मजा बहुत ही ज्यादा। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये 6 to 8 टोमेटोज की हमने टोमेटो प्यूरी तैयार कर ली है। इसको किस तरह से तैयार करना है वो मैं अभी आगे आपको रेसिपी में बताती हूँ। इस वक्त मुझे, क्योंकि रेसिपी स्टार्ट करनी थी तो मैंने इसको पहले से तैयार करके रख लिया है। 1 kg आपको चिकन चाहिए बोनलेस, इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ। मिल्क आपको चाहिए 1 कप। अदरक और लहसुन का पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो सिर्फ नमक और लाल मिर्च का पाउडर है, इसके अलावा इसमें कोई और मसाले नहीं जाते। मक्खन और क्रीम जो है या हम डालेंगे इसमें एंड में, ये ऑप्शनल है। अगर आप मक्खन की जगह देसी घी यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मेथी, हरी मिर्च और अदरक फॉर गार्निशिंग। ये हमने 1 kg चिकन के लिए तकरीबन 6 से 8 टमाटर ले लेने हैं, जो कि हमने इस तरह से बीच में हाफ कर देना है बीच में से इनको। ये प्रेपरेशन हम हांडी बनाने के लिए पहले से ही करके रख लेंगे, ताकि जिस वक्त हम हांडी बनाएं तो हमें देर ना लगे। अब इन सब टमाटरों को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और इस तरह से इनकी साइड, ये वाली साइड जो है ये अंदर की तरफ होगी और छिलके वाली साइड ऊपर होगी। इन सबको हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब तक के ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और इनका छिलका अलग ना हो जाए। हमें टमाटो प्यूरी तैयार करनी है, जिसके लिए हमें इनका छिलका अलग कर लेना है और बाकी को हम सबको ब्लेंड कर। ये देखें, 5 मिनट बाद टमाटर ये इस तरह से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी जो है ये छिलका नहीं उतरेगा इनका, क्योंकि अभी ये ज़रा से सख्त है। हम इसको इसी तरह ढक के और देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन होती है। ये देखें, ये इस तरह से इनके टमाटर के छिलके अब आराम से उतर जाएंगे। इसके बाद हम इसको, तमाम छिलकों को उतार लेंगे और हम इसको ब्लेंड करके हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये सब तमाम छिलके अब आराम से, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो ये इस तरह से उतर जाएंगे। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 डिश के चमचे ऑयल के पतीली में डाल लेंगे। इसके अंदर हम अब ये चिकन बोनलेस जो हमने लिया था वो हम डाल देंगे। वन टीस्पून हम लहसुन पाउडर डालेंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर। ये मेरे पास टीस्पून से भी छोटा स्पून है, इसलिए मैंने 2 डाले। और आधा नमक जो हम, जितना हम खाने में इस्तेमाल करेंगे उसमें से हाफ हम इसमें डाल देंगे, हाफ हम उसकी ग्रेवी में डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और हम इसको ढक के रख देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स ऑलमोस्ट, जब तक कि ये वाइट ना हो जाए और ये लहसुन और अदरक की वजह से चिकन की जो ज़रा सी स्मेल होती है वो निकल ना जाए। ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है और इस तरह से इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये तकरीबन फ्राइड वाली कंडीशन होगी। अगर आप इस तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे हम, और ये देखिए मैं आपको गरम गरम में ही चेक करके बताती हूँ कि ये सॉफ्ट भी हो गया इस तरह से, ठीक है, ये टूट गया। तो अब आप इसको एक अलहदा से डिश में निकाल लीजिए। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे और हम इसको बाद में ऐड करेंगे उस ग्रेवी में। ये देखिए, इस तरह से हमने अपना चिकन जो हमने पतीली में डाला था और उसने कलर चेंज कर लिया था, इसको एक अलहदा से डिश में उठा के हमने रख दिया है। अब हम उसी पतीली में डालेंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई थी।
हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मिल्क हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी आता है और फिर क्रीम जो है वो कम यूज होती है, जिसकी वजह से इसकी जो कैलोरीज हैं वो काफी कम हो जाती हैं, लेकिन दूध की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेक्सचर आएगा। आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो आपको जरूर ये लगेगा। बाकी का मिल्क भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसमें मिर्चें, मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून यूज किया है, आप देख लीजिएगा जितनी आपको चाहिए, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मेथी इस वक्त आप डाल दीजिए इसके अंदर और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। थोड़ी बहुत ये जो इसकी ये बहुत पतला सा हो रहा है, ये थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। ये देखें, इसको पकने में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टोमेटोज तो ऑलरेडी कुक्ड हैं और हमने दूध जो डाला था उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है टोमेटो प्यूरे का। अब जो है इसमें हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे चिकन। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। बटर और क्रीम हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं कि वो हम एंड में ऐड करेंगे जब डिश आउट करने लगेंगे। अगर आपके पास हांडी इतनी बड़ी है तो आप यकीनन उसको हांडी में ही बनाइए, लेकिन मेरी हांडी जरा छोटे साइज की थी तो मैं उसको सर्विंग के लिए यूज करूंगी, लेकिन अगर आपके पास हांडी बड़ी है तो आप उसको उसी में ट्राई कर सकते हैं, उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अब हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन है, चिकन को भी इतनी पकने की जरूरत नहीं है, टोमेटोज को भी पके हुए हैं तो उनको भी इतनी ज़रूरत नहीं है पकने की। ये बहुत ही जल्दी से हांडी बन जाती है, आपकी बस प्रेपरेशन पहले से हुई भी होनी चाहिए कि आपने प्योरे पहले से तैयार रखना है, बोनलेस हांडी की क्यूब्स आपने पहले से काट के रखे हुए हैं तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। और ऑयल इसमें मैंने शुरू में बहुत कम डाला था क्योंकि मैं आखिर में मक्खन और क्रीम ऐड करूँगी, तो इसलिए जो मैंने थोड़ा बहुत ऑयल डाला था वो इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। हांडी सर्व करने का टाइम आ गया है। हमारी हांडी जो है आप पहले से उसको स्टोव पर रख दीजिए और फ्लेम ऑन कर दीजिए, ये ज़रा गर्म हो जाएगी तो ये बहुत देर तक फिर हांडी गर्म ही रहती है। अब हांडी में डालने से पहले हम थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, हमारा फ्लेम ऑफ है, और इसको मिक्स कर देंगे। हमारी ये जो मिट्टी की हांडी है वो अच्छी तरह गर्म हो गई है। अब देखिए मैं आपको इसमें डाल के दिखाती हूँ, एकदम से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे ये इस तरह से। हम इसमें इसको सर्व करेंगे। ये हमने क्रीम इसके ऊपर डाल दी है और अब हम इसके ऊपर मक्खन डाल देंगे, अदरक और हरी मिर्ची हम सर्विंग के वक्त डाल देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, या गरम मसाला आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मेथी इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ये अच्छी तरह से जब पकने लगेगी हांडी, देखें साइड से पकनी शुरू हो गई है और ये बहुत देर तक फिर गर्म रहेगी। हांडी हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी इनकरेजमेंट बढ़ती रहे और हम अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए बहुत ही इजी वे में बनाने की तरकीब लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।